फिंगरप्रिंट सेंसर्स तो आप हर रोज यूज करते होंगे अपने फोन्स में, टैबलेट्स में, बट क्या आपको पता है कि कुछ फिंगरप्रिंट सेंसर्स दूसरों के मुकाबले ज्यादा सिक्योर होते हैं, कुछ फिंगरप्रिंट सेंसर्स दूसरों के मुकाबले ज्यादा फास्ट होते हैं? वेल, इफ यू डिड नॉट नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वेल देन स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स एज वी डिकोड ऑल अबाउट फिंगरप्रिंट सेंसर्स एंड व्हिच वंस शुड यू बी यूजिंग। Now guys, fingerprint sensors के काम करने का एक बेसिक प्रमाइस है। आप अपना यूनिक फिंगरप्रिंट जिसमें रिजेस और पैटर्न्स होते हैं वो आप अपने फ़ोन पे लगाइए, फ़ोन उनको आइडेंटिफाई करेगा, पैटर्न्स को स्टोर करेगा और उसके बाद मैच करेगा। तो असेंशली तीन टाइप के फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं, कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर्स, अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। ये तीनों के क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स की। दीज आर बेसिकली फिंगरप्रिंट सेंसर्स दैट आर अंडर योर स्क्रीन, अंडर योर डिस्प्ले पैनल। और लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है एक फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करने में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स में। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। नाउ होता क्या है कि जब आप स्क्रीन को टच करते हो तो एक इमेज फॉर्म होती है और लाइट और डार्क एरियाज को आइडेंटिफाई करता है प्रोसेसर। ये फास्ट तो है बट इसका प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा सिक्योर नहीं है, बिकॉज कोई भी आपके फिंगर की पिक्चर लेके उसको रेप्लिकेट कर सकता है और आपका फोन अनलॉक कर सकता है। नाउ नेक्स्ट वंस आर कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर्स। ये फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं एंड एन इजी वे टू आइडेंटिफाई देम इज दैट दे नॉट ऑन अ स्क्रीन, बेसिकली एनी साइड माउंटेड, लेफ्ट राइट या फिर पीछे माउंट हो गए फोन के बैक पे। नाउ व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर्स इज द फैक्ट दैट दे आर रियली रियली सेफ। आप किसी की उंगली की फोटो लेके किसी के फोन को या और कोई डिवाइस को अनलॉक नहीं कर सकते, बिकॉज जो मैकेनिज्म है वो रिलाय करता है चेंज इन चार्ज देन सिंपली अ विजुअल क्यू कि आपने सिर्फ फोन पे लगाया और उसने पकड़ लिया। नाउ ये किस कंडीशंस में अच्छे से काम नहीं करता, जब आपकी फिंगर्स वेट हो, और सिक्योरिटी के हिसाब से तो ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर से काफी ज्यादा सिक्योर है। द थर्ड वन इज द अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। ये थर्ड टाइप का जो सेंसर है ये सबसे एडवांस्ड है और सबसे सिक्योर है, बट काफी डिवाइसेस में अभी तक नहीं मिलता। होपफुली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे आप इन्हें देखोगे। अभी ये दिखता है IQ9 Pro के फोन में। Now while they may not be as fast as optical or capacitive sensors, ultrasonic sensors का benefit है कि ये display पे होते हैं and it's very hard to fool a person, it's very hard to break through them. ये काम कैसे करता है? Well, ultrasonic fingerprint sensor काम करता है दो parts में। इसके दो main parts होते हैं, ultrasonic transmitter और एक receiver, और ये दोनों मिलके आपके finger का 3D model बनाते हैं। तो और किसी sensor में 3D model नहीं use होता, इसमें होता है 3D model। ये 3D model create करता है जो आपके phone के records में जो 3D model है उससे मैच करता है, और इसीलिए it makes it the hardest to beat amongst the three fingerprint sensors. So as a result of the mechanical procedure guys, इसका जो overall process होता है detection का वो थोड़ा सा slow हो जाता है as compared to optical and capacitive sensors. अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सेंसर इज द बेस्ट फॉर यू, आपको कौन सा यूज करना चाहिए। वेल, ये एंटायरली डिपेंड करता है कि आप अपना फिंगरप्रिंट सेंसर कहां पे चाहते हैं, कितना सिक्योर चाहते हैं और उसकी स्पीड आपको कितनी चाहिए। सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जैसे मैंने बताया, बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट योर फिंगरप्रिंट सेंसर इनसाइड द स्क्रीन एंड यू डोंट वांट टू टच इट आल्सो व्हाइल अनलॉकिंग, तो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर ठीक रहेगा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी होते हैं, दे कैन बी यूज्ड विद बोथ हैंड्स एंड आर ऑलवेज फेसिंग अपवर्ड्स। तो अगर आप अपने डेस्क पे अपना फोन रख रखा है तो आप सिर्फ एक फिंगर के टच से आप उसको अनलॉक कर सकते हो। बट इफ फॉर एग्जाम्पल यू ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और योर डिवाइस कंटेन्स सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी इज योर टॉप प्रायोरिटी, इवन इफ इट मीन्स स्पेंडिंग अ फ्यू एक्स्ट्रा रूपीज, then you should definitely go for ultrasonic fingerprint sensors. So I hope this video se aapke basic questions resolve ho gaye, and do give us a thumbs up in the comment section if you like this video and do follow Gadget Times for everything on tech. This is Sumita Kareer signing off.